तो चलिए बच्चों, आ चुके हैं हम सेकंड वीडियो के साथ स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस इंदौर से। तो चलिए इस वीडियो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट वीडियो आएगा इसका, अनएम्प्लॉयमेंट हेल्थ और डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले इस वीडियो में पढ़ लिया था इससे पहले वाली में कि एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पीपल के रिसोर्स या पीपल के डेवलपमेंट। अब दूसरा है हेल्थ। हमको पता है कि आजकल सब हेल्थ कंसर्न हो चुके हैं, अभी भी साइकिल का ट्रेंड चल रहा है 2020 में। तो हेल्थ क्यों इतनी कंसर्न दे रही, क्योंकि हेल्दी आदमी ही प्रोडक्टिव हो सकता है। देखिए, फिट पर्सन विल हैव हायर प्रोडक्टिविटी रादर देन अ सिक पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट मतलब जो फिट होगा, जो काम अच्छे से करता है, जो बीमार नहीं होता, वो एक तो एबसेंट नहीं रहेगा अपने वर्क से और वो बहुत अच्छे से मन उसका एकदम शांत रहेगा। तो उसके कारण ही उसका वो रहेगा, उसका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और वो दूसरे का भी डेवलपमेंट करते रहेगा। अब गवर्नमेंट के इसमें तीन ही एफर्ट्स हैं और भी आप डाल सकते हो अगर आपको चाहो तो, कि मोर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, फ्री हेल्थ चेकअप्स करवाए और मोर मेडिकल कॉलेजेस, मतलब उन लोगों को अवेयर करने कि आप हेल्थ में आए या हेल्थ में अपनी भागीदार दिखाए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है हिंदी में बोले तो बेरोजगारी। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो बेरोजगार ही है, क्योंकि अगर आप वीडियो बेरोजगार होते हैं, आप कुछ कमाते तो आप बेरोजगार नहीं होते। पर बेरोजगारी अलग चीज है। बेरोजगारी क्या होती है? पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो लोग काम करने के लिए इच्छुक तो हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा। इसका क्या मीनिंग है कि जो लोग इच्छुक है काम कर भी सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे हैं, फिट है, हेल्दी है, एजुकेटेड है, पर उनको काम नहीं मिल रहा है, ओके, इतनी जॉब नहीं। जिसे हम बोलते हैं ना कि इंजीनियर, इंजीनियर की कितनी डिग्री है, बहुत सारी डिग्री मिल जाती है पर काम नहीं मिलता, मतलब वही फंडा है। तीन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल, डिसगाइज्ड, एजुकेटेड। ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा। सीजनल से नाम से हमें आ रहा है सीजन, तो सीजन का मतलब ये होता है कि सीजन वाइज, फॉर से एग्जांपल, ये मोस्टली रूरल एरियाज में मिलती है। क्या होता है कि जैसे एक फार्मर है, वो फार्मर को उस सीजन में बुलाया कि वीट आप ग्रो करके दिखाइए, मतलब ग्रो करिए आप अक्टूबर और नवंबर में। तो उसने ग्रो करी, वो 3 महीने एम्प्लॉयड था, मतलब पैसे भी मिल रहे थे उसको। पर उसके 7 महीने बाद जब वीट उगरी थी तो उसके जो सेठ था उसने बोला नहीं अब हमको जरूरत नहीं है, फिर वो 7 महीने अनएम्प्लॉयड हो गए। ये होता है सीजन, सीजन वाइज सीजन, एक सीजन में काम मिला, दूसरे सीजन में नहीं मिला। ये दूसरा है डिसगाइज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। डिसगाइज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक लैंड पे 5 लोग की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है पर एम्प्लॉयड 8 है, 8 लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मतलब नहीं ना, वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए वो कुछ ज्यादा काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ दूसरों का काम बिगाड़ेंगे। एक काम को आप बार बार दूसरे से कर रहे हैं तो मतलब नहीं, वो ही काम उसको दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो ये 3 लोग जो होंगे ना वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो काम के नहीं, वो ऐसे ही लगे हुए हैं बस, उनको पैसा भी नहीं मिलने वाला, उसको बोलते डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों रूरल एरियाज के और ये अर्बन एरियाज के। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा गवार, उसको जैसे बोलते कि इसमें बेस्ट एग्जांपल इंजीनियर, इंजीनियर के पास सब है, डिग्री है, ये है, वो है, पर उसके पास काम नहीं, तो पढ़े लिखे गवार है। ये तीनों थे सीजन, डिसगाइज और एजुकेटेड। चलिए तो हम आप दूसरी वीडियो की तरफ मूव करते। तो चलिए इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं जो हमने पढ़ा कि बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या, डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस का मतलब है किसकी खामियां क्या, क्या उससे कंट्री को अफेक्ट करते हैं, क्या किसी इंसान को खराब हो सकता है उसके लिए। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है कि जो बेरोजगार है वो कुछ काम तो करेगा नहीं, उल्टा जो यूज करेगा उसके जो काम का नहीं होगा ही कुछ भी करते रहेगा, तो उसके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। पीपल हु कैन बी असेट फॉर अ कंट्री बिकम लायबिलिटी। इसका क्या मीनिंग है? असेट का मतलब होता है एक अच्छा, मतलब अच्छा काम कर सकते हैं जो कंट्री को कुछ काम आके दे सकते हैं, कंट्री के लिए ग्रोथ का काम कर सकता है, वो लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी का मतलब है वो कंट्री के लिए बोझ बन जाता है, उसको संभाला नहीं जाता, कंट्री को संभाल नहीं सकते उसको, ये मतलब। दूसरा है राइजिंग फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिप्रेशन। सीधी सी बात है, अगर एक इंसान के पास काम नहीं है, उसको खाना नहीं खा पाएगा, अपनी कंट्री की, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा, तो उसको होपलेसनेस है, होप ही नहीं है, और डिप्रेशन में भी जा सकता है। दूसरा था कि तीसरा था कि वो जो कंट्री की ग्रोथ उसको स्लो डाउन कर देगा। कैसे करेगा? कि वो कंट्री में कुछ काम तो करेगा नहीं और दूसरे जो भी अच्छा काम करने जाएगा उसको टोकेगा। ठीक, ये इसका मतलब स्लो डाउन द ग्रोथ। फिर क्राइम इंक्रीज होगा, अगर उसके पास कुछ काम नहीं होगा तो वो अवैध तरीकों से चोरी, डाका डालने की, बैंक में डाका डालेगा, उससे पैसे कमाने की, उसके कारण क्राइम बढ़ता है। दे आर फोर्स टू डू वर्क विच दे डू नॉट लाइक। इसका क्या मीनिंग है?
कि उनको वो काम करना पड़ता है कि वो जो उनको अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक इंजीनियर को बोल दूं कि देखो कल से चौकीदार की नौकरी करनी है, तो वो करना चाहेगा क्या? उसके पास इतनी स्किल्स तो नहीं है, उसके पास डिग्री है, ये चीजें स्किल्स है, तो वो अब ऐसी नौकरी करेगा तो कैसा लगेगा? लोग उसके फैमिली पे बात आ जाएगी कि ये कैसी नौकरी कर रहा है। तो ये बात, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका। अब आप मेरे को पिछले वीडियो में भी कमेंट आया था मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे कि आपने पहले पालमपुर की क्यों नहीं डाली। पालमपुर की भी डालूंगा, पर पालमपुर एज सच इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जितना ये। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे कौन से चैप्टर की वीडियोस सुननी है। मैं शॉर्टली ट्राई भी कर रहा हूँ कि साइंस भी करना चालू करूँ, पर अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है टाइम की वजह से। पर आप चाहेंगे तो हम कर देंगे। आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना कमेंट और मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे या तो कमेंट पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सूरज बगई, और कॉन्टेक्ट तो है 9131588117। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, आपके सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ेंगे, और शेयर भी करिए। थैंक यू।